हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक चेन फॉर्मेशन। अभी हम लोग का रेप्लिकेशन चल रहा है, उसके स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे थे, चार स्टेप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसका पांचवा स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। वीडियोस कंटिन्यूटी में देखना, मतलब जो जिस सीक्वेंस में वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं उसी सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। बीच से उठा लोगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लिख के ले लो। तो देखो, आज का हमारा फिफ्थ स्टेप है चेन फॉर्मेशन, और ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। और आपका चाहे पेपर सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप देख सकते हो, मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम आपका बेस क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव में इतने तो आएंगे ही आएंगे, और सब्जेक्टिव के लिए भी आपको इतना पता होना तो ज़रूरी ही है। बाकी अब पूरे तो हम नोट्स तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो कुछ आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये चेन फॉर्मेशन मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैंने पहले भी बताया जब हम बॉटनी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे कि आपको अपना कंटेंट कैसे इंक्रीज़ करना है, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स वगैरह बताई हैं। तो इसमें तो आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी कि आपको अपना कंटेंट कैसे बढ़ाना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है फॉर चेन फॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड होता है, तो अब ये तो हमने एक लाइन में डाल दिया, अब इसको आप दो चार लाइन में प्रॉपर लिखो ना कि रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में चेन फॉर्मेशन होता है, चेन फॉर्मेशन में ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ये एंजाइम्स यूज़ होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप अपना कंटेंट इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आपके में सब्जेक्टिव है तो, ठीक है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हैं मेरे से पूछ रहे थे, जैसे कि इस बच्चे ने पूछा भी है मेरे से, ठीक है। तो प्लीज़ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आपका चाहे सब्जेक्टिव हो पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप पढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन। चेन फॉर्मेशन में देखो क्या होता है। फॉर चेन फॉर्मेशन पॉलीमरेज डेल एंड एप्साइलन इज रिक्वायर्ड। डेल और एप्साइलन का रोल क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देखो। डेल का क्या रोल होता है और एप्साइलन का क्या रोल होता है, मतलब चेन फॉर्मेशन में ये दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं। फिर इन प्रेजेंस ऑफ MG++ ATP DNA पॉलीमरेज थर्ड, ये चेन फॉर्मेशन जो होता है डेल और एप्साइलन के साथ साथ और किस किस की ज़रूरत होती है चेन फॉर्मेशन में, MG++ की ज़रूरत होती है, ATP की ज़रूरत होती है, और DNA पॉलीमरेज थर्ड की ज़रूरत होती है। मैंने आप लोगों को बताया था तीन तरह के पॉलीमरेज थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें से थर्ड पॉलीमरेज जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, वही रेप्लिकेशन में बेसिकली काम आता है, ठीक है। नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लो, ठीक है, फिर ये देखना आ गया, वरना फिर नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, क्लियर नहीं होंगी फिर। अच्छा, तो चेन फॉर्मेशन में पॉलीमरेज डेल एंड एप्साइलन रिक्वायर्ड होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है चेन फॉर्मेशन, MG++ ऑब्जेक्टिव में तो कन्फर्म में पूछा जाएगा, इसकी प्रेजेंस में होता है, MG++ की प्रेजेंस में होता है, ATP की प्रेजेंस में होता है, और DNA पॉलीमरेज थर्ड की प्रेजेंस में चेन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन सब की तो प्रेजेंस में हुआ, फिर द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट अटैच टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ईच टेम्पलेट ऑफ DNA स्ट्रैंड, मतलब जो आसपास में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती हैं। आपको बताया था मैंने कि फ्रेगमेंट्स में DNA प्रेजेंट होता है, या फिर जो एडजेसेंट आसपास के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं अब तो क्लियर ही हो गया होगा अगर आप सीक्वेंस वाइज मेरे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपको पता ही होगा, तो नहीं पता है तो फिर उसके लिए मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखो जहाँ से मैंने न्यूक्लिक एसिड पढ़ाना शुरू किया है। तो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट अटैच टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ईच टेम्पलेट ऑफ DNA स्ट्रैंड, फिर दे एस्टैब्लिश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ऑब्जेक्टिव है अगर आपका तो ये भी पूछा जाएगा, कन्फर्म है। और देन और फिर यही जो होते हैं आपके जो एडजेसेंट आसपास के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA स्ट्रैंड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता ही है जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, देखो यार फिर से बताए दे रहे हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग शॉर्ट में NT से पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं हम मान रहे हैं, एंटी सब नहीं मानते, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड को एंटी, सपोज एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये दो में डिविजिबल होता है, न्यूक्लियोसाइट्स में
और फॉस्फेट ग्रुप में। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो प्योरीन और पिरिमिडीन्स में डिविजिबल होता है। तो जो ये जो प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स जो एटी और जीसी हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स ही तो होते हैं एटी जीसी। और इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं डबल और ट्रिपल, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो इनको एक तरह से न्यूक्लियोसाइड कह सकते हो ना, क्योंकि ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एस्टैब्लिश होगा और एक कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्ट्रैंड मिल जाएगा हमें, एक बढ़िया सा नया डीएनए स्ट्रैंड हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चेन फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और आज का हमारा Q&A है कि तीन मेजर पॉलीमरेज, मैंने बताया था आप लोगों को जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें पांच तरह के पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से तीन मेजर होते हैं और दो माइनर होते हैं। तो जो तीन मेजर वाले थे, एक था आपका, एक यही, दो तो यही थे, एक और था, तो वो उन तीनों का नाम मुझे चाहिए। ठीक है, ये दो तो आपके लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, जो तीन मेजर पॉलीमरेज हम लोगों ने पढ़े हैं प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, उनका नाम मुझे चाहिए कमेंट्स में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।